Was it fun? So yes, fun. We'll never forget you. Oh, thank you so much. Sir, sir, here, sir, on your right. Sir, sir, please, sir, on your left. Sir, give us a smile, please. Sir, please. सेलिब्रिटीज एक एक करके आते हैं और मीडिया पर्सन उनके फोटो और वीडियो लेते हैं और फिर सीढ़ी चढ़ के वो इस ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं। सो भाइयों, ये हम पहुंच चुके हैं यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच कांस बीच पे। जी हाँ, ये वाला ब्लू कलर मस्त लगता है ना। इसको क्या बोलते हैं, रॉयल ब्लू बोलते हैं कि पिकॉक ब्लू बोलते हैं? अजी जो भी बोलते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है आपकी तरह। हे गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में इस यूरोप सीरीज के। इस वक्त मैं हूं कांस, जो कि है सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस। अरे वाह, कांस, फ्रांस, जोरदार है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा ही है, जब मैं मोनाको का डे टूर करके पहुंच जाता हूं रात में कांस, फिर हॉस्टल चेक इन करके वीडियो को समाप्त कर देता हूं। आज के दिन में हम कांस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और कभी ना कभी मेरे को पता है आपने कांस सिटी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है जब बॉलीवुड से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट हो गए, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फिल्म फेस्टिवल या चलता है साल में 8 से 10 दिन। और वो फेस्टिवल में गैदरिंग्स तो होती है सब सेलिब्रिटीज की, साथ ही साथ अच्छी अच्छी फिल्म जो रहती है ना, डॉक्यूमेंटेशन फिल्म वगैरह, रीजनल फिल्म, वो परफॉर्म होती है, उनको सराहा जाता है। अब मजे की बात है कि इस साल भी 2024 में मई के महीने में है और ये भी मई का ही महीना है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना भाई, हम 4 दिन पहले आ गए। ठीक 4 दिन 5 दिन बाद ये फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा 8-10 दिन के लिए। कहने का मतलब है भाई साहब, अपना ये मिस हो जाएगा देखना जब हम बाहर से हाथ हिलाएंगे ये सेलिब्रिटीज को देख के। लेकिन ठीक है, हम तो इंतजार वो चीज का कर रहे हैं जब हमको कांस वाले एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाए कभी। चलो वो मौका आए ना आए, लेकिन ये भी जरूर मजा आता जब हम यू नो वो फेस्टिवल बाहर से एटलीस्ट देख पाते, हॉलीवुड या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को बाहर से देख पाते। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम वो प्लेस से करेंगे जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, वो बीच पे होता है। यहाँ से ठीक 8 मिनट बाय वॉक है ना, बीच आता है कांस का फेमस, वर्ल्ड फेमस बीच, जहाँ पे वो कांस फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अभी कोई सिटी किसी कारणवश फेमस हो तो वहीं से शुरुआत करना पड़ता है ना, अभी कांस इसीलिए फेमस है, तो आज की वीडियो की शुरुआत उसी से करेंगे। सो भाइयों, ये हम पहुंच चुके हैं यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच कांस बीच पे। जी हाँ, क्या शानदार बीच है ना। इनफैक्ट अगर आपने मिस्टर बीन इन हॉलीडेज मूवी देखी होगी ना, तो जो लास्ट शॉट है ना मूवी का, जब मिस्टर बीन इतना खुश हो जाते हैं बीच पे आके, बस यही तो वो बीच है। मेरे को वन ऑफ द बहुत प्यारी मूवी लगती है और मैंने बहुत बार देखी है, और यहाँ आके सेम मेरे को भी मिस्टर बीन जैसा सेटिस्फेक्शन हो गया। मतलब सनी सनी सा वेदर है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा रहेगा कि नीस हो गया, मोनाको हो गया, बारिश ने बेहाल कर रखा था, मतलब हल्की फुल्की बारिश की वजह से सनी सनी वेदर था नहीं और वहाँ पे बीच हम एक्सप्लोर कर नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बॉस, यहाँ पे एकदम मस्त सनी सनी सा वेदर है जिसके कारण मस्त हम बीच एक्सप्लोर कर पाएंगे। भाई साहब, उधर तो प्रोफेशनल लोग जैसा खेल रहे, उधर तो कम्पीट नहीं करवाएंगे, इधर खेल में भाग ले लिया हमने। हेलो, बहुत टफ है भाई। नोरा एंड इलुलू, क्या नाम है? तलुला। तलुला, तलुला। गिर गई है तो। तलुला एंड नोरा, हाँ नोरा, थैंक यू फॉर द गेम। इतना आसान दिखता है ना वॉलीबॉल, वॉलीबॉल उतना होता नहीं है, स्पेशली शूज वूज पहने, मतलब इस ढंग में हो तो कैसे मेरे को ईजी लगेगा।
ये जो बीच है ना ये पब्लिक बीच है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैरियर के उस तरफ है ना वो प्राइवेट बीच है, मतलब लाइन सर आपको बाहर फाइव स्टार होटल्स दिख रही है ना, फोर स्टार फाइव स्टार जो मर्जी कह लो, बस उनके गेस्ट ही अलाउड है वहाँ पे। और इनफैक्ट वहाँ पे बीच शैक्स भी है, और इस तरफ जो पब्लिक बीच है यहाँ पे कोई बीच शैक्स नहीं है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? लाइन वाइज लाइन वाइज आई एम सियाना। सियाना, आई एम माया। माया एंड बीच वाली का क्या है? साशा। सयाना, सियाना, बड़ी सयानी लग रही हो। साशा एंड माया, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रतीक जैन। हाउज फ्रांस? फ्रांस इज गुड, लाइक लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस, पेरिस वाज ओके ओके, इट वाज नॉट सो गुड, बट या कांस, नीस, दे आर ब्यूटीफुल। फूड, फूड हियर आई एम अ वेजिटेरियन, so you know I prefer vegan restaurants more. I don't know what to eat in France about vegan, if I'm not snails right. Oh no. Snails? No. Snails, you can snails eat snails is non-veg. No, it's non-vegetarian. Oh. Anything which have life, it's non-vegetarian. I'm even sorry. egg is non-vegetarian. Really? Yeah, what of course. About cheese? Cheese is okay, milk is okay. Wine, there's a lot of cheese here. And wine. Yeah. wine and pastries. Pastries have egg. Oh. Yeah, yeah. Wine's I took. Good. Yeah, wine, alcohol. Yes. Yeah, yeah. Alcohol. Hey. Alcohol is injurious to health. Ah, yeah. It's okay. No and smoke, smoking is also injurious to health. It's okay. Just have fun. Have fun. More you drink, then baad mein hospital mein fun. Oh. Okay. Don't drink, guys. Don't drink underage. Never. What's your Instagram? I am Pratik Jain. Wanna take a selfie? Yeah, yeah. Of course. Why not? See, have a look. Have you tried ever Indian food? Yes, mango curry. Mango curry nahi, mango lassi hota hai. Biryani. Mango lassi, haan, biryani. Biryani. Masala. The masala. Really I like butter the... chicken. I'm a designer, a fashion designer. No, oh, you're a fashion designer? Yeah, yeah. She says no. What? No, because she's I have a business. Yeah, she's a business. I'm she's trying a... to create one. She's a veteran. She's a what? She's a veterinarian. No. Veterinary animal doctor. Fashion. No, making she fashion makes, business. She makes fashion for dogs. Fashion no, for dogs. It's a cool idea. I mean, wow. She's something a, unique. She's a fashion for horses. She makes fashion for fashion for? Horses. Horses. I'm a horse rider. Was it fun? So yes, fun. We'll never forget you. Oh, thank you so much. Really appreciate it. It's a big statement. Bye bye Maya. वो चौथी किधर गई? इधर थी ना. What was her name? Sienna. Sienna. She went. Okay. Great. Bye bye. Sir, please, sir. On your left. Sir, give us a smile, please. Sir, please. जी हाँ, यही वो सीढ़िया है, यही वो रास्ता है जहाँ से यू नो रेड कारपेट जहाँ पे बिछता है, और अगल बगल में मीडिया पर्सन्स वगैरह रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ एक एक करके आते हैं और मीडिया पर्सन्स उनके फ़ोटो और वीडियो लेते हैं, और फिर सीढ़ी चढ़ के वो इस ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं। ये जो ऑडिटोरियम है ना जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है, बस उसी से सटा हुआ है एक कसिनो, जो कि कांस का एकमात्र कसिनो है, जो सबसे ग्रैंड है, सबसे फेमस है, क्योंकि एकमात्र कसिनो है। सच में ऐसा मन हो रहा है कि 5-6 दिन और एक्सटेंड कराई दूँ, कांस में रुकी जाऊँ और एटलीस्ट एक रात या दो रात वो फिल्म फेस्टिवल का अनुभव लूँ। लेकिन वही बात है ना, 5-6 दिन एक्सटेंड कराना पड़ेगा, और उसके बाद स्विट्जरलैंड जाऊँगा, उसके बाद इंडिया आने के लिए फ्लाइट वो भी 5-6 दिन एक्सटेंड करानी पड़ेगी, बहुत खर्चा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल एक रात का 4,000 दे रहा हूँ हॉस्टल का, उस टाइम पे 4 दिन बाद थोड़ी ना 4,000 रुपया भाव है। मेरा हॉस्टल तो सोल्ड आउट है, लेकिन जो दूर दराज हॉस्टल है ना वो भी 10-12 हज़ार, सिंगल बेड की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर होटल की बात करूँ तो जो लाइन सर आपको फाइव स्टार होटल दिख रही है, ले मेरिडियन वगैरह, मैंने जस्ट अभी चेक किया 14 मई 15 मई के डेट्स, अभी 4-5 दिन बाद की, 2200-2300 यूरो प्रति रात प्रति रूम। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, मतलब 2 लाख रुपया। ओए होए होए, क्या मस्त इलेक्ट्रिक बस है ना, छोटी सी प्यारी सी, मेरी तरह। एनीवेज, वही मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख रुपया प्रति रूम प्रति रात का किराया है यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। अब फिलहाल तो अपना बजट है नहीं, आगे का मेरे को पता नहीं, आगे होगा तो अपन जरूर रुकेंगे और जरूर अनुभव करेंगे, है ना। एक तो पैसा, ऑपर से टाइम,
दूसरी चीज टाइम नहीं अपने पास, क्योंकि लिए जैसे ही मैं इंडिया पहुंचूंगा ना स्विट्जरलैंड से, तुरंत ताबड़तोड़ मेरे को निकलना है थाईलैंड ग्रुप टूर के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज किया है मैंने। और ये चीज ऑलरेडी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल चुका हूँ एक डेढ़ महीने पहले, है ना। जो लोग इंटरेस्टेड थे उन्होंने बुकिंग्स कर दी है, 8 या 9 लोग है हम, और ये मेरा फर्स्ट ग्रुप टूर है जिसके कारण मेरे को सिर्फ 8-10 लोगों के साथ ही करना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, अगर ये एक्सपीरियंस बढ़िया रहा तो जाहिर सी बात है मैं आगे और ग्रुप टूर प्लान करूंगा, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे कम्युनिटी टैब में अपडेट्स आपको करते रहूंगा। और ठीक, ये देख लो हम कहाँ पहुंच गए, पूरा यॉट सेक्शंस में, जहाँ पे एक से एक यॉट्स आपको दिखेगी। माय गॉड, दुबई के जो यॉट सेक्शंस है ना, मरीना एरिया, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि लिए कितना बड़ा है आप देख लो, और बहुत लग्जरी यॉट्स है, बहुत बड़ी बड़ी यॉट्स है। वो देखो, जूम करके भी बता दो कितनी सारी यॉट्स है यहाँ पे। क्या बात है, इधर सीनियर सिटीजन गोटी खेल रहे, मजाक नहीं कर रहा, मतलब बड़ी बड़ी गोटियों से खेल रहे। लेकिन ये देखो, ये फेंका, अरे मिस हो गया अंकल। मैं बचपन में बहुत खेला हूँ कंचे, बहुत गोटियाँ खेली है, भाईंदर रहता था ना पहले, उधर तो भाई साहब समर वैकेशन में गोटी सबसे मेन होता था। लेकिन सीनियर सिटीजन को गोटी खेलते देख अच्छा लग रहा है, गोटी नहीं भाई, इनकी गोटियाँ, इनकी गोटियाँ सब बड़ी होती है खेलने के लिए। भाई साहब लाइन सर, रेस्टोरेंट से लाइन सर, और हर जगह लगभग भीड़ ही भीड़ है, सच कह रहा हूँ, मतलब क्या मस्त माहौल है ना। वैसे तो मेरे को जो नीस में मोनाको में लोग मिले थे ना, उन्होंने कहा था कि कांस ओवर हाइप्ड है, मतलब इतना कुछ है नहीं। ये सही बात है कि घूमने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं कांस में, लेकिन लाइवली बहुत है, जिससे आपका टाइम स्पेंड इजिली हो जाएगा, मतलब एक दो दिन तो आप इजिली यहाँ पे स्पेंड कर ही सकते हो। ये ताज़ा ताज़ा पिज्जा निकला था इनका माइक्रोवेव से, ये पूरा पिज्जा नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ ये स्लाइस भी हैवी है, वजन से हैवी लग रहा है। और देख लो कितना चीज़ इधर, जो चीज़ फुकट के भाव में मिलता है ऐसे लगता है। यहाँ पे इतने लाइन सर फेमस रेस्टोरेंट से, मैंने सोचा कि एटलीस्ट किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा तो लूँ। और ये रेस्टोरेंट में काफी वेजिटेरियन ऑप्शन भी थे, तो मैंने सोचा कि वेजिटेरियन पिज्जा स्लाइस मंगा लेता हूँ, यहाँ पे स्लाइस मिलता है। ये स्लाइस का रेट है 6 यूरो, जो ताज़ा ताज़ा बनाया है और ताज़ा ताज़ा हमको ऊपर और एक्स्ट्रा चीज़ डाल के सर्व किया है। वहाँ पे पुलिस आई हुई है, जो होमलेस है या फिर जो भी ऐसे ही सोते हैं ना बेंच वगैरह पे, उनको पकड़ने उठाने, उनसे पासपोर्ट वगैरह आईडी वगैरह पूछी जाएगी उनसे, उनके पास अगर नहीं होगा तो फिर बस उनके लगने वाले, आप समझ जाओ। चलो तो ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। आई नो ये वीडियो काफी छोटा बना है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो फुकट में लेंथ बढ़ा के मतलब नहीं ना वीडियो की, कुछ भी बताओ और फिर लेंथ बढ़ाओ, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, छोटा ही सही, लेकिन आपने कांस के बीचेस, कांस फिल्म फेस्टिवल जहाँ होता है वो जगह आप देख पाए, है ना। यू ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आपको पता ही है नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कहाँ है, स्विट्जरलैंड। मिलते हैं फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।